हमारे देश में सी प्लेन की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किया गया है। और आपको बता दें, यह हमारे देश की पहली सी प्लेन सेवा है और इस सेवा की शुरुआत फिलहाल अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया स्थित स्टेचू ऑफ यूनिटी तक यह सेवा उपलब्ध होगी। बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनट बहुत दिलचस्प होने वाली है और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इस सी प्लेन से जुड़ी सारी बातें, यानी कि इस प्लेन की कितनी टिकट है और इस प्लेन के टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, इस प्लेन का किराया कितना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आपको बता दें, इस सी प्लेन का ट्रायल 2017 से किया जा रहा था और अब जाकर इसमें सफलता मिली है। आपको बता दें, ये दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले विमानों में से एक है और यह विमान को ऐसे बनाया गया है कि इसमें दुर्घटना हो ही नहीं सकता है। सी प्लेन का वजन 3377 किलो है और इसमें 1419 लीटर तक तेल भरा जा सकता है और इस प्लेन में एक साथ 19 यात्री सफ़र कर सकते हैं। और आपको बता दें, PT-6132 इंजन वाले इस विमान को उड़ान के दौरान प्रति घंटे 272 लीटर ईंधन की खपत की ज़रूरत होती है, यानी कि एक घंटे में 272 लीटर ईंधन खर्च होता है इस विमान में। अब आइए हम आपको बताते हैं इस सी प्लेन की कितना किराया है। करीब आधे घंटे की इस उड़ान के लिए यात्रियों को एक तरफ से लगभग 1500 रुपये खर्च करने होंगे। और आपको बता दें, अहमदाबाद रिवर फ्रंट से केवड़िया के स्टेचू ऑफ यूनिटी और केवड़िया से वापस रिवर फ्रंट का कुल किराया आने जाने का 3000 रुपये होगा। और 30 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है और इन उड़ानों के लिए 15 सीटर ट्विन ओटर 300 विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। कहाँ से मिलेगी टिकट इसकी, तो आपको बता दें, देश की एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट रोजाना 2 उड़ानों का संचालन करेगी और सी प्लेन के लिए टिकट की बुकिंग www.spiceshuttle.com की वेबसाइट से की जा सकती है। क्या है सी प्लेन की खासियत, आइए इसके बारे में जानते हैं। सी प्लेन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पानी और ज़मीन दोनों जगह से उड़ान भर सकता है और दोनों ही जगह इसे लैंड कराया जा सकता है। सी प्लेन को उड़ान भरने के लिए ज़्यादा लंबे रनवे की ज़रूरत नहीं होती है। यह 300 मीटर लंबे रनवे से ही उड़ान भर सकता है और इस वजह से सी प्लेन के जरिए नदी और तालाबों से भी उड़ान भरा जा सकता है। इसके लिए सिर्फ फ्लोटिंग जेटी की ज़रूरत होती है। सी प्लेन की शुरुआत से भारत की हर कोने में हवाई सेवा संभव हो सकेगी। जहाँ पर एयरपोर्ट संभव नहीं है, जहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है, वहाँ भी यह आसानी से सेवा दे सकता है। इससे पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने की संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। सी प्लेन सेवा के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। यह समुद्र, तालाब और नदी में लैंड करने की क्षमता रखता है, जिससे छोटे शहरों में भी हवाई सेवा की शुरुआत संभव हो सकेगी। आपको बता दें, कनाडा में भी सी प्लेन सेवा सबसे अधिक है। सी प्लेन का इस्तेमाल समुद्री बचाव अभियान और जंगलों की आग बुझाने में भी किया जा सकेगा। आपको बता दें, यह अन्य विमानों के मुकाबले काफ़ी कम ऊंचाइयों पर उड़ सकता है।